हर कोई एस्पिरेंट की दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है कि फ्रेश होने के बाद हम अपना डेली का टारगेट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे अचीव करें। हिंदी मीडियम से होने के कारण हम लोग हिंदी में तो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम लोग काफ़ी थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि डेली आधा से एक घंटा हमेशा इसको दिया जाए इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश इम्पोर्टेंट रखती है इस प्रिपरेशन में। A few moments later, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के सोर्स के रूप में मुझे नहीं लगता कि जो 11th क्लास की मध्यकालीन भारत की जो बुक है इससे अच्छा भी और कोई सोर्स हो सकता है, क्योंकि मैंने इस बुक को जब मैं 1, 2, 3 टाइम पढ़ा था तो मेरे को इतनी अच्छी बुक लगी नहीं थी, लेकिन जब अब मैंने इस बुक को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो मैं जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इसे मैच करता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये बुक से इतने सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी इसमें मेंस में क्वेश्चन आया था इसमें, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बुक है, इसे आप इस पर रिलाई हो सकते हैं कम्प्लीटली मेंस के लिए। A few moments later, जो ये आप मेरा थर्ड स्लॉट आ चुका है, तो थर्ड स्लॉट में पढ़ रहा हूँ 11th क्लास की जो भारतीय संविधान और कार्य है उसको पढ़ रहा हूँ। ये बुक काफ़ी अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस के जो बेसिक फंडे हैं आपके काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर देगी। यदि आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में देख रहे होंगे कितने अच्छे क्वेश्चन इस बुक से बन रहे हैं करके, ठीक है, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है इसमें पॉलिटिकल साइंस के, तो आप इसे रिलाइव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लॉट में मुझे ये बुक पढ़नी है, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, तो इसके बाद मैं आपको अपना दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। और देखिए इसमें डायग्राम कितने अच्छे तरीके से दिए गए, बहुत क्लियर डायग्राम है इसमें, जो कि माइंड मैप की तरह आपको दिखेंगे कि यार कितने अच्छे तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट स्लॉट में आपको दिखाता हूँ। ये है विश्व इतिहास की बुक, इंटरनेशनल रिलेशन इस बुक से काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद मैं भी अपना इंटरनेशनल रिलेशन डेली पढ़ूंगा और उसे मतलब एनालाइज करूंगा, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है, ठीक है। सो चलिए मेरे साथ आगे, वीडियो की छोटी सी क्लिप डाल रहा हूँ क्योंकि खाली वीडियो को लॉन्ग करना सही नहीं है। सो गाइस, स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ के मैं थोड़ा बोर हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया जाए, तो मैं भी थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ। सो एक छोटी सी क्लिप में इसमें आपको दिखा रहा हूँ।